हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने छठ घाट की कथा लेकर के आई हूँ। लेकिन इसके पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफी के लिंक पर जाकर के आप हमारे लिए कम से कम एक कॉफी और ज्यादा से ज्यादा आपकी जितनी मर्जी है, जितनी श्रद्धा उतनी कॉफी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। छठ घाट की कथा, एक कथा आपने कल शाम में सुनी, हालांकि देर हो गई थी। आज हमें उम्मीद है कि इस कथा को आप छठ का अर्घ देते देते सुन सकेंगे, और ना भी उस समय सुन सके तो बाद में सुन लीजिएगा, बाद में लोगों को सुनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं छठ घाट की कथा, क्योंकि आज सुबह के अर्घ का समय है और मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ छठ घाट की कथा। इसका नाम है रानी और चेरी। मैं पढ़ के ही सुनाऊंगी। एक थी रानी और एक थी उसकी चेरी, यानी उसकी सेविका। अब रानी तो रानी ठहरी, महल के अंदर रहने वाली, सारी सुख सुविधाओं से भरी पूरी, मगर बाहर जाने की आजादी नहीं। दूसरी जगह चेरी, जगह जगह घूमने फिरने वाली। एक दिन वही चेरी रानी के लिए गजरा लेकर लौट रही थी तो उसने देखा रास्ते में बड़ी भीड़। पता किया, राजा इंद्र की सभा लगी हुई है। अब राजा इंद्र की सभा सामने हो तो उसे छोड़कर वह जाए तो कैसे जाए। सुना इंद्र की सभा टूटे और न चेरी घर लौटे, तब तक रानी को खीस हुआ। खीस मतलब क्रोध। उसने चेरी के बेटे को उसके घर से मंगवाया, उसे मरवा कर घूरे पर फेंकवा दिया और खुद वज्र की वार ठोक करके सो रही। सांझ बीतने पर जब इंद्र की सभा टूटी तब चेरी घर लौटने को हुई। जब वह घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में ढेर सारे लोग नदी के घाट से अपने अपने घर जाते दिखे। छोटे बड़े, गरीब अमीर, सभी जैसे मेला लगा हुआ था। रास्ते में स्त्रियां गीत गाती चल रही थीं, बच्चे उत्साह में गन्ने लेकर चल रहे थे, पुरुष माथे पर डाला, चंगेरी, केले का घौद आदि लेकर चल रहे थे। कुछ स्त्रियों के हाथों में जल भरे कलश थे, बाकी स्त्रियां उन्हें घेर कर चल रही थीं। चेरी आश्चर्य से भर उठी। यह तो वो समझ गई कि ये लोग कोई व्रत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा व्रत जिसमें सभी समान भाव से चल रहे हैं, घर के सभी सदस्य इसमें समान भाव से सहभागिता कर रहे हैं। अन्यथा उसका तो यही अनुभव रहा है कि व्रत त्योहार के सारे दायित्व घरों की स्त्रियां ही संभालती हैं। वह रास्ते के किनारे खड़ी हो गई और सब कुछ देखती रही। स्त्रियों ने नाक से सिंदूर लगाया हुआ था, सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, सभी की आंखों में अगाध श्रद्धा थी। नई उम्र की स्त्रियां लड़कियां आपस में हंसी ठिठोली गीत गाती चल रही थी। उसे रास्ते में खड़े देख एक स्त्री उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। चेरी को थोड़ी हिम्मत आई, उसने उससे पूछा, ये सब क्या है, ये कौन सा व्रत है जिसे सभी इतनी श्रद्धा और एक समान भाव से कर रहे हैं। बात कर रही स्त्री ने कहा, सुनना और जानना है तो हमारे साथ आओ, रास्ते में बताती चलूंगी। चेरी भूल गई कि शाम हो गई है, उसे अपनी रानी के पास लौटना है। उसकी गोद का बालक भी है जिसे वह अपने पति के पास छोड़ आई थी। वह किसी मंत्र के वशीभूत सी उसके साथ चल पड़ी। फिर तो सभी स्त्रियों में जैसे उस व्रत को बताने की होड़ लग गई। सभी के घर आ गए, वह स्त्री उसे अपने घर ले गई। सभी ने उसका यथोचित सत्कार किया। चेरी को बताया गया कि यह छठ व्रत है, यह एक बहुत बड़ा सामाजिक आयोजन है। वैसे लोग जो इस व्रत को नहीं कर पाते उन्हें भी प्रसाद दिया जाता है ताकि वे भी इस व्रत के भागीदार बन सकें, और उसके पहले जो व्रत नहीं कर पाते हैं या कर पाती हैं वे इस व्रत के आयोजन में अपनी तन मन धन जैसा भी जैसी भी शक्ति हो वैसी सहभागिता दे सकती हैं। व्रत करने वाली वृद्धा ने हंसते हुए कहा, इससे अनाज की भी बचत होती है, हम 3 दिन नहीं खाते हैं तो सोचो जितने लोग इस व्रत को करते हैं उनके भोजन का 3 दिन का अनाज बचता है, इससे हमारे समाज का कितना भला होता है। यह अनाज दुखी दुखियारों दीन वंचितों को जा सकता है कि ना बिटिया। ये सब देखते सुनते रात बहुत हो गई। सभी ने उसे सलाह दी कि अगर तुम्हें इस व्रत को अपनी आंखों से और भी देखना है तो सुबह के अर्घ के समय हमारे साथ चलो, अर्घ दो, छठ की पूजा देखो, और हाँ, घाट पर छठ व्रत की कथाएं भी कही जाती हैं, उसे भी सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सुनो छठ का प्रसाद लो और फिर लौटो। चेरी ना नहीं कह सकी।
वह सबके साथ वहीं सो गई। सुबह उसे घर की स्त्रियों ने एक नई साड़ी दी, जिसे पहनकर वह छठ के घाट पर पहुंची। नदी किनारे चारों ओर छठ करने वालों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कहीं कोई भगदड़ नहीं थी। सभी शांति से पूजा कर रहे थे। अर्घ्य देने का समय आया तो उसने देखा कि बिना किसी भेदभाव के हर कोई केवल अपने परिवार के घाट पर और अपने सूप डगरा पर ही अर्घ्य नहीं दे रहे, बल्कि अन्य के सूप पर भी अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। स्त्रियां छठ के गीत गा रही हैं। उसे भी लोगों को, स्त्रियों को गाते गाते देख एक दो लाइन, एक दो पंक्तियां उसे भी याद आ गई, याद हो आई और वह भी उनके साथ गाने लगी। मुझे कांचही बांस के बांगिया बांगी लचकत जाए, बांगी लचकत जाए, बाट ही पूछले बाटो हिया, बहंगी किन कर जाए, बहंगी किन कर जाए, तू तो आन्हरा होइ बे रे बाटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। गीत गाते हुए, उसे बहुत अच्छे से गीत नहीं आ रहा था, पर फिर भी किसी तरह से गीत गाते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा था और सब कुछ देखते सुनते हुए उसने भी अर्घ अर्पित किया। चिरी ने स्त्री से पूछा कि क्या यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं। उसके यह कहते ही वहां की स्त्रियों ने नदी में अर्घ के लिए खड़े ढेर सारे पुरुषों की ओर इशारा किया। वे बोली, यह व्रत जाति धर्म लिंग वर्ग आयु से अलग है, कोई भी इसे कर सकता है। इतना कहते उसने एक वृद्धा की ओर इशारा किया और कहा कि हमारी चाची। इतना कहते हुए उसने एक वृद्धा की ओर इशारा किया और कहा कि यह हमारी चाची हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी शंका के समाधान के लिए बताती हूँ कि हमारे चाचा अब जीवित नहीं है, परंतु चाची छठ का व्रत कर रही है। और ये देखो, नदी के किनारे, नदी के घाट पर कितने पुरुष हैं जो इस व्रत को कर रहे हैं, छठ को, छठ के लिए पूरा उपवास किया है और व्रत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ इस व्रत में कहीं कोई भेदभाव नहीं है और हमारी यही चाची छठ घाट की कथा सभी को हर साल सुनाती हैं। 3 दिन का व्रत उपवास रखने के बावजूद उनके भीतर इतनी ताकत रहती है कि ये 5 से 7 कथाएं शाम के अर्घ्य के समय और इतनी ही कथाएं सुबह के अर्घ्य पर सुनाती हैं। चलो चलो चलो, अर्घ्य पड़ गया, अब कथा सुनते हैं। चाची के निकट बैठोगी तो कथाएं अधिक अच्छे से सुन सकोगी। चेरी ने चाची के पास बैठकर कथाएं सुनी। कथा सुनने के बाद सभी ने घाट पर से अंकुरी चुनी, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। व्रती ने भी इस अंकुरी से पारण किया। चेरी घाट घाट जाकर पूरे आंचल भरकर प्रसाद इकट्ठा कर लाई। वो बहुत प्रसन्न थी। छठ व्रत समाप्त हो गया था, सभी अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। चेरी को अब अपनी रानी और अपने बच्चे का ख्याल आया। वह वहां से तेज कदमों से महल की ओर भागी। जब वह महल की ओर लौटी तो उसने देखा घोड़े पर उसका बेटा खेल रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुबह सुबह बेटा घोड़े पर कैसे आ गया। माँ की ममता हिलोर मार उठी। वह लपकी, बेटे को झाड़ झूड़ कर उठाया और गोद में लेकर चल दी। रानी के दरवाजे पर पहुंचकर बोली, रानी, ए रानी, दरवाजा खोलो। कैसे मैं खोलूं दरवाजा रे चेरिया ठेरिया, गुस्से से भरी रानी ने ठस से जवाब दिया। कैसे मैं चेरिया हूं, कैसे मैं ठेरिया हूं, भर अचरा छठ प्रसाद है, भर मांग सिंदूर है, भर गोद पूत है। पूत का नाम सुनते ही रानी अकचका उठी और झट से किवाड़ खोल दिया। देखा चेरिया बेटे को गोद में लिए खड़ी है। आश्चर्य से भरी रानी कहने लगी, चेरिया रे चेरिया, तू कौन तब जाने, तू कौन व्रत जाने, कौन धर्म करे, कौन ज्ञान जाने, जो तेरे बेटे तो जी जी जाएं और मेरे बच्चे मर मर जाएं, और ये तुम्हारे आंचल में क्या भरा हुआ है। चेरी बोली, रानी ए रानी,
तुम ठहरी रानी महारानी, राजमहल में बंद, न कहीं आना न कहीं जाना। तुम तो रानी, सभी सुख सुविधाएं तुम्हारे पास, तुम्हें न किसी की मुसीबत का पता, न दर्द की परवाह। तुम्हें क्या मालूम दूसरों की तकलीफ। और मैं ठहरी चेरिया, जहां तहां घूमने वाली, लोगों के दुख दर्द देखने महसूस करने वाली। उनके दुख दर्द देखती समझती हूँ, दूर करने की हर संभव कोशिश करती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, जो मारे खीस के दूसरे की कोख भी बर्बाद कर दे, बगैर सोचे कि उसकी माँ पर क्या बीतेगी। रानी धरती में गड़ गई, औरत होकर औरत की पीर न जानी, चेरिया के बेटे को मार दिया। ये तो उसी का पुण्य प्रताप जो उसका बेटा मरकर भी जी उठा। मैं अभागन केवल अपने ही सुख की सोच में लगी रहती हूं। रानी पछतावे से भर उठी। पछतावा मन को साफ और सुच्चा कर देता है। चेरी ने छठ व्रत का प्रसाद रानी को दिया और कहा, कल शाम से मैं एक अन्य सुख के एक अतीव संसार में घूम रही थी। मैंने देखा पूरे समाज में एक समानता लाने वाला व्रत। चेरी ने रानी को सारा हाल कह सुनाया। सुनकर रानी बहुत प्रभावित हुई। वो चेरी से बोली, अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ इस व्रत को देखने चलूंगी। कालांतर में रानी भी गर्भवती हुई और समय से चांद जैसी सुंदर संतान हुई। तब तक छठ का व्रत भी आ गया था। वह चेरी के साथ अपने बच्चे को लेकर छठ घाट पहुंची। वहां उसे बताया गया कि व्रती के गीले कपड़े धोना भी पुण्य का काम होता है। बच्चे को चेरी की गोद में देखकर उसने कथा कहने वाली व्रती के वस्त्र धोए और कहा, अब से इस व्रत में लगने वाली समस्त वस्तुएं मेरे यहां से आया करेंगी। चेरी अब चेरी नहीं थी, वह रानी की बहन हो गई थी। और इस तरह की कथाओं में, किस्सों में कहा जाता है ना कि जैसे चेरी के दिन बहुरे, रानी के दिन बहुरे, वैसे ही सभी के दिन बहुरे। जी, तो ये छठ घाट की एक कथा थी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस कथा को सुना होगा, और नहीं भी अभी सुन पाए होंगे तो बाद में सुन लीजिएगा, लोगों को सुनाइएगा। जितनों को चाहें उतनों को सुना सकते हैं, उतनों को पहुंचा सकते हैं छठ घाट का की यह कथा। और अगली बार हम फिर आपके सामने कोई और विषय, कुछ और लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। और लेकिन ये तो सुबह का समय है, आप सब लोगों ने छठ का प्रसाद लिया होगा, छठ का प्रसाद खाया होगा। चाहे तो हमें भी छठ का प्रसाद भेज दीजिएगा, हम भी खा करके छठ का प्रसाद लेकर के बहुत खुश होंगे। तो चलिए अभी हम यहाँ से, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।